आगे बढ़े हम लोग। कहा भी चर्चा है, क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि है निरंतर सुखी तो हम नहीं सकते क्योंकि सुख दुख तो साथ साथ ही चलते हैं। कितने लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में भी सुख दुख साथ साथ चलते हैं? क्योंकि आप कई बार सुखी होते हैं और कई बार दुखी होते हैं, फिर दोबारा सुखी होते हैं, दूसरी बार दुखी होते हैं। ये तो हमारी स्थिति है कि हम कई बार सुखी होते हैं और कई बार दुखी होते हैं। भैया ने जब पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, सभी लोगों ने कहा, मैं पूछ लेता हूँ कितने लोग निरंतर सुखी रहना चाहते हैं? सभी रहना चाहते हैं, तो निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन स्थिति क्या है हमारी, कभी सुखी रहते हैं और कभी दुखी। अब अगला प्रश्न ये है कि क्या निरंतर सुखी हुआ जा सकता है या सुख और दुख तो ऐसे ही चलता रहे? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते तो निरंतर सुखी होना है और हम ऐसा भी सोचते रहते हैं कि सुख और दुख को निरंतर चलता रहेगा? तो या तो हमारा चाहना गलत है या मानना गलत है। चाहते हम क्या? निरंतर सुखी होना, और मानते हैं क्या? कि सुख और दुख को झेलना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे आप सुखी होने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, आप सुखी होने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, जैसे बाजार से कुछ खरीदते हैं और खाते हैं, पानी पूरी खरीदा खाया, रसगुल्ला खरीदा खाया, क्यों खा रहे हैं? सुखी होने के लिए करते हैं ना। तो आप कुछ सुविधाएं खरीदते हैं, और उसको खाते हैं या पहनते हैं या देखते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, शाम को यहाँ से गए और घर में रसगुल्ले रखे, आपने खा के एक रसगुल्ला खाया, अच्छा लगता खराब लगता है? मन करता है और खा लो, अगर कोई टोकने वाला ना हो तो दूसरा भी खा लेते हैं, फिर तीसरा भी खा लेते हैं, फिर चौथा भी खा लेते हैं, फिर पांचवा भी खा लेते हैं, फिर सारे खा जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने पहला रसगुल्ला खाया और छठवा रसगुल्ला खाया, दोनों से जो सुख मिलता है वो एक ही जैसा मिलता है कि कुछ बदल जाता है? स्वाद एक ही जैसा रहता है, जैसे आप 10 रसगुल्ले खा लिए, कोई खराब हो जाए तो 10 और खाओ, तो पहले रसगुल्ले में जितना मजा आ रहा था उतना दूसरे रसगुल्ले में मजा आता है? एक तो मजा भी नहीं आता, खाने का मन रहता है कि मन भी नहीं करता, और कोई खड़ा हो जाए बोले 5 और खाना पड़ेगा। आप सुख मिलता है रसगुल्ले से कि दुख मिल रहा है? रसगुल्ला पहले सुख दे रहा था और अब दुख दे रहा है। अब जैसे आप लोग जाते हैं मार्केट पानी पूरी खाने, एक बार में कितने पानी पूरी खा लेते हैं? 15 20 अब जो है दूसरा दोस्त जो खिला रहा है उसे 20 और खाओ, 20 खा लेने के बाद बोले 20 और खाओ, तो जितना मजा पहले पानी पूरी में आया था इसमें पानी पूरी में उतना ही मजा आता है या बैठ जाता है। तो ये जो सुविधाएं हम खरीदते हैं, रसगुल्ला हो गया, पानी पूरी हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ सुविधाएं होती है, भोजन होता है, उससे शुरू में तो सुख मिलता है, अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे ये सुख मिलना अच्छा लगना घटने लगता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो दुख में बदल जाता है। जबकि सुविधा वही रहती है, रसगुल्ला वही रहता है, पानी पूरी थोड़े से बाद
स्वाद एक तरह का, जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो एक स्वाद मिलता है, एक स्वाद मिलता है, सुबह होते हैं तो पहले वो हमको आवश्यक भी रहने लगता है और अच्छा भी लगता है। अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब समझते हैं, जो आवश्यक नहीं है, तो अनावश्यक लगने लगता है लेकिन अच्छा लगता रहता है। तो जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला आवश्यक भी लग रहा और अच्छा भी लग रहा, लेकिन चार पांच रसगुल्ले खा लिए तो क्या होगा? ऐसा अगर चार दोस्त आपस में एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं
तो ऐसा कभी नहीं लगता है, ऐसा कभी नहीं लगता कि विश्वास से बोर हो गए हैं, अब अविश्वास हो तो मजा आए, धोखा कोई दे तो मजा आए, ऐसा लगता है क्या? इसमें ये जो सुख दुख यहाँ चल रहा है, सुख से दुख और दुख से वो यहाँ चल रहा है, यहाँ ऐसा क्या यहाँ पर सुख की निरंतरता हो सकती है, यहाँ पर सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, यहाँ हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अरे तीसरा मुद्दा है जिसको एक नंबर पे कहेंगे, सही समझ। अगर आपको आज समझ में आ गया कुछ तो बना देता है, उसका सुख भी बना रहे हैं, कैसे लेगा? आज अगर कुछ समझ में आ गया तो हम उसमें दोबारा से कंफ्यूज थोड़े होते हैं, अगर ठीक से समझ में आ गया फिर उसका सुख हमें बना रहे हैं। जो ऊपर वाला दो है इसमें सुख की निरंतरता, निरंतरता संभव, इसमें निरंतर सुख संभव है नहीं है? नहीं है, संभव नहीं है, असंभव है। हमारी समस्या क्या है? हमारा परिवार निरंतर सुख तो चाहता है, हमारा परिवार निरंतर सुख तो अभी लिखने के लिए बेटा, अभी लिखने के लिए तो बीचों को आप लिखूंगा फिर आपका फिर निकल जाएगा, तो जब मैं लिखने को तब लिखना, क्योंकि हम बोर्ड पे आगे पीछे करते रहते हैं ना, इसलिए बीच में कॉपी बंद कर, सब कॉपी बंद कर, कॉपी बंद कर दो। तो यहाँ निरंतर सुख तो संभव नहीं है, ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का हो गया। यहाँ निरंतर सुख संभव हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक झंझट है। जैसे क्या झंझट है? कोई दोस्त आपका सम्मान कर रहा है, आप सुखी होते हैं, वो दोस्त कहीं से परेशान होके आ रहा है तो सम्मान कर पाता है कि सम्मान करना भूल जाता है? आप कई बार उसे गलती हो जाती है, आप सम्मान, अब आप वापस दुखी हो जाते हैं। आपके मन में अगर लोगों के लिए सम्मान का भाव है तो आप उसको निरंतरता पे बनाए रख सकते, आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, ये दूसरे पर निर्भर है कि हम पर निर्भर है? हम उसको निरंतरता में बनाए रख सकते हैं। तो हम जब अपने में सम्मान के भाव को सुनिश्चित करते हैं, विश्वास के भाव को, तो इसकी निरंतरता को बनाए रखना और आसान है ना। ये दो तरह से हो सकता है, एक दूसरे से पात्र और ये स्वयं में सुनिश्चित करके, सुनिश्चित करके। तो ये दूसरे से भाव पाने वाला मामला है कि कोई मेरा सम्मान कर दे, कोई मेरे पे ध्यान दे दे, कोई मेरे पे विश्वास कर ले, उसकी हालत ठीक रहेगी तो करेगा, नहीं ठीक रहेगी तो नहीं करेगा। तो इससे भी निरंतर मिल पाने की जो संभावना है वो पूरी नहीं होगा, संभावना तो है कि वो सही समझ के निरंतरता का सही भाव दे पा, सुखी हो सकते, लेकिन उसकी हालत खराब रहती है तो भाव दे नहीं पाता है, हालत ठीक रहती है तो भाव दे पाता है। आप देखते होंगे वही दोस्त अच्छा लगता है, किसी देखो परेशान होकर आ रहा है और आपको उसकी परेशानी का पता नहीं है, तो आपको कई बार डांट देता है, आपको कई बार ऐसी बात कह देता है, चुप जाती है, तो सुखी होते हैं दुखी हो जाते हैं? दुखी। तो ये जो दूसरे से भाव पाने वाला स्थिति है इसमें भी निरंतर सुख संभव नहीं है। निरंतर सुख कहां तक संभव है? यहां से लेके अंदर समझ में आ रहा है? किससे निरंतर सुखी हुआ जा सकता है और किससे नहीं हुआ जा, किससे हुआ जा सकता है? सही भाव से, सही समझ से और सही भाव से, सही भाव में दूसरे से पाकर अपने को सुनिश्चित करें। इस तरह से तो निरंतर सुखी हुआ जा सकता है, इससे निरंतर सुखी नहीं हुआ सकता। आप सुखी होने के लिए ज्यादा प्रयास कहाँ करते हैं, यहाँ या नीचे? नीचे। घर पे भी लोग सुखी होने के लिए ज्यादा प्रयास ऊपर कर रहे हैं कि नीचे कर रहे हैं? नीचे।
घोषणा चाह रहे निरंतर सुखी और मेहनत कहाँ कर रहे हो, जहां से निरंतर सुखी हो ही नहीं सकते, इसलिए गलत बात को मान बैठे हैं कि चाहे जितनी मेहनत कर लो दुख तो बना ही रहेगा, सुख दुख तो साथ ही साथ चलेगा, लेकिन जब ठीक समझ के ठीक तरीके से प्रयास करते हैं तो हम निरंतर सुखी होना भी चाहते हैं और सही जगह ठीक से प्रयास करें तो निरंतर सुखी हो सकते हैं। निरंतर सुखी होना चाहते हैं और बिना समझे गलत जगह प्रयास करेंगे तो निरंतर सुखी नहीं। वो गलत जगह कौन सी है? इससे तो निरंतर सुखी आज तक धरती पर कोई हो गया मुश्किल लगे पा रहा, हम तो नहीं हो, आप भी नहीं हो पाएंगे, आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें एक तरह का सुख मिलता है थोड़े देर बाद, तो इसमें तो सुख दूर लगाएगा, इसमें सुख मिलेगा, सुख की निरंतरता भी बात समझ आ रही है? अब आपके जाके समझाना बताना कि निरंतर सुख हो सकता है अगर सही जगह प्रयास किया जाए, तो गलत जगह प्रयास करेंगे तो निरंतर सुख नहीं हो पाएगा। ये बात स्पष्ट हो रहा है? यस सर। सुख मतलब जिससे सुखी होती है,